புதிய வரி விதிப்பு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆற்றும் உரையை தற்பொழுது காணலாம். கம்ப்ளையன்ஸ் பி முஷ்கில் ஹோதா ஹை, கம் சே கம் கானூன் ஹோ, ஜோ கானூன் ஹோ வோ பஹுத் ஸ்பஷ்ட ஹோ தோ டாக்ஸ் பேயர் பி खुश रहता है और देश खुशहाल होता है। बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे दर्जनों टैक्सेस की जगह जीएसटी आ गया, रिटर्न से लेकर रिफंड की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया, जो नया स्लैब सिस्टम आया है उसमें बेवजह के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं, पहले 10 लाख रुपए से ऊपर के विवादों को लेकर सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी, अब हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है। विवाद से विश्वास जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाए। इसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में ही करीब 3 लाख मामलों को सुलझाया जा चुका है। साथियों, प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है। 5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स 0 है, बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं। साथियों, कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। साथियों, अभी तक तो होता यह है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है, अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए, वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी। अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन होगा,
ये भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा। साथियों, इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ ये होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी बचेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी। साथियों, इस एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म के साथ साथ आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश है, लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है, यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। अगर किसी प्रकार का संदेह है भी तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का भी अधिकार दिया गया है। साथियों, अधिकार हमेशा दायित्वों के साथ आता है, कर्तव्यों के साथ आते हैं। इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई है। टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों का दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स पेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी रख सकता है। इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर को भी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है। वहीं सरकार का ये दायित्व है कि टैक्स पेयर की पाई पाई का सदुपयोग करे। ऐसे में आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं, तो देश भी हर टैक्स पेयर से अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की अपेक्षा करता है। साथियों, देशवासियों पर भरोसा, इस सोच का प्रभाव कैसे जमीनी पर नजर आता है ये समझना भी बहुत जरूरी है।
वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26% पर आ गया है, यानी केस की स्क्रूटनी करीब करीब एक चौथाई हो गई है, 4 गुना कम हुई है। स्क्रूटनी का 4 गुना कम होना अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है। वी हैव डिक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, डिक्रीज टैक्सेस, डिक्रीज लिटिगेशन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, इंक्रीज ट्रस्ट ऑन द टैक्स पेयर। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा, इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं है, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की, हर भारतीय की है। जो टैक्स देने में सक्षम है लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है, वो स्वप्रेरणा से अपने आत्मा को पूछे, आगे आए। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त है, आजादी के लिए मरने मिटने वालों को जरा याद कीजिए, आपको लगेगा हां मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए। आइए विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के इस महत्वपूर्ण भावना का सम्मान करते हुए, इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें। एक बार फिर देश के वर्तमान और भावी ईमानदार टैक्स पेयर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये पहल, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी जितनी बधाई दे उतनी कम है। हर टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स अधिकारियों को भी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से उन्होंने अपने आप पर बंधन डाले हैं, अपने खुद की ताकत को, अपने आप, अपने अधिकारों को उन्होंने खुद ने काटा है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी इस प्रकार से आगे आते हैं तो किसको गर्व नहीं होगा, हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। और पहले के जमाने में शायद टैक्स के कारण कुछ समस्याएं होगी, लोगों ने टैक्स देने के रास्ते पर जाना पसंद नहीं किया होगा। अब जो रास्ता बना है वो टैक्स देने की तरफ जाने का आकर्षक रास्ता बना है। और इसलिए आइए
भव्य भारत के निर्माण के लिए इस व्यवस्था का लाभ भी उठाएं और इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए आगे भी आए। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक के बाद एक देश के उज्जवल भविष्य के लिए लंबे अरसे तक प्रभाव पैदा करने वाले अनेक सकारात्मक निर्णयों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं फिर एक बार सबको बधाई देता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும், முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும், ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும், இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம். மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் @gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்.